हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पे दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं यहां पर हाथोज एरिया के अंदर हूं और ये आप देख सकते हो, यहां पर ये मकान देख रहे हो, 125 वर्ग गज मकान, माँ करणी विहार कॉलोनी है हाथोज के अंदर, जिसमें अलग अलग है, डुप्लेक्स हाउस है, इसके अलावा सेमी डुप्लेक्स है। 125 वर्ग गज से लेकर के 60 वर्ग गज तक के हैं। और अभी जो मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, यह है 125 वर्ग गज, बेहतरीन वीडियो है और बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। एक बार बने रहे वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं आज इस मकान की तरफ। आप देख सकते हो इस मकान के अंदर खूबी है, 125 वर्ग गज में है, जिसके अंदर 95 स्क्वायर यार्ड के अंदर कंस्ट्रक्शन है। उसी के साथ में आप देख सकते हो ये जो सामने आप 30 गज का लैंड, इसी के साथ में एक पार्क दिया जाता है जिसे आप अपनी अकॉर्डिंग इसे डेवलप कर सकते हो। इसको आप पार्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हो या पार्किंग इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही पूरा वेंटिलेशन वगैरह मकान के लिए आपको इसके अंदर मिलेगा। तो अभी चलते हैं 5 स्क्वायर यार्ड के अंदर, ये पूरा कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा जो सामने मैंने आपको दिखाया था वो है 30 गज का। इसी के साथ में आप देख सकते हो रैंप है और नॉर्थ फेसिंग मकान है, ये नॉर्थ फेसिंग मकान है। और आप देख सकते हैं ये रैंप से ऊपर चढ़कर हम यहाँ देख सकते हैं मेन रोड, आप देख सकते हो नीचे पीछे। इस मेन रोड से इसकी हाइट या कुर्सी हाइट दी गई है, काफ़ी हाइट देख करके इस मकान को बनाया हुआ है, जो आगे फ्यूचर के अंदर आपकी रोड चाहे कितनी भी ऊपर हो तब भी ये ऊपर ही रहेगा। यहीं सामने की तरफ आप देख सकते हो प्लांटेशन के लिए ये जगह दी हुई है और देख सकते हो। और इसी के साथ में आप देख रहे हो ये है पार्किंग, एक बेहतरीन पार्किंग है, फोर व्हीलर आराम से आ सकती है, उसके बाद में भी जगह स्पेस मिलेगी। वहीं अगर आप देख सकते हो ये फ्रंट साइड का बेडरूम है और इसके सामने भी ये बालकनी एरिया है। ऊपर अगर देखें हम तो आप देख सकते हो बालकनी के अंदर वुडन कलर किया हुआ है। और अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। उसी से पहले आप देख सकते हो ये जो बॉक्स है, एक मीटर का मीटर बॉक्स है। इसी के साथ में आप देख सकते हो ये पानी का टैंक, वाटर टैंक है, जिसकी एक वाटर टैंकर की कैपेसिटी है। वहीं पे अगर हम आगे चलें तो देख सकते हैं आप, ये है रेलिंग, स्टील की रेलिंग है, ग्रेनाइट का जीना है और बाहर से इसके अंदर जीना दिया हुआ है। वहीं पे जैसे ही हमने एंटर किया आप देख सकते हो एक यूनिक डिज़ाइन के अंदर इसका जो गेट डिज़ाइन दी हुई है। इसी के साथ में जैसे ही हमने अंदर एंटर किया आप देख सकते हैं हॉल है, डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल के अंदर आप देख सकते हो ये टेक्सचर कलर किया हुआ है और ऊपर फॉल सीलिंग दी हुई है, पंखा फिटिंग है, बिजली और लाइट, ट्यूबलाइट्स और पंखे दिए हुए हैं। वहीं पे अगर सामने की तरफ देखें आप तो आप देख सकते हैं ये है वॉश बेसिन, जो एक बेहतरीन शानदार डिज़ाइन में है। आप देख सकते हैं नीचे एक जगह स्पेस दी हुई है। इसके साथ में कॉमन टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट आप देख सकते हैं, जिसमें मिक्सचर वगैरह सब कुछ दी गई है। यहीं पर वॉश बेसिन दिया हुआ है और गीजर के पॉइंट दिए हुए हैं। इसी के साथ में आप देख सकते हैं नॉर्थ फेसिंग है और ये आप देख सकते हैं मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर किचन है जिसके अंदर पूरा फर्नीचर वगैरह दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिक्सर वगैरह सब कुछ लगाए हुए हैं और इधर आप देख सकते हैं सामान रखने के लिए डोर्स लगाए हुए हैं और ऊपर सामने चिमनी के लिए एक स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस दिया हुआ है जो कि फ्रिज रख सकते हो आप। इसी के साथ हम वापस हॉल में आ चुके हैं और अभी आप हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम की तरफ देख सकते हैं आप, रॉयल प्ले में डिज़ाइन है और ऊपर फॉल सीलिंग दी हुई है, ट्यूबलाइट पंखे लगाए हुए हैं। ये आप हॉल देख सकते हो रॉयल प्ले के अंदर, प्रीमियम कलर है, विट्रीफाइड टाइल्स है। अगर साइज की मेजरमेंट की बात करूँ तो ये 12x14 का रूम साइज है। वहीं पे अगर आप इधर की तरफ देखें तो वेंटिलेशन के लिए ये एक विंडो दी हुई है, जो कि हमने पीछे की तरफ जो मैंने जगह बताई थी उसके अंदर हमारी स्पेस के अंदर ही है। इसी के साथ में आप देख सकते हो ये गैलरी है, अटैच टू गैलरी, जो कि वेंटिलेशन के लिए डक छोड़ा हुआ है और पीछे स्पेस दी हुई है। और इसके अंदर अगर बात करें हम तो ऐसी फिटिंग है, और अगर इधर देखें तो हम फुल वार्डरोब है, जो कि आयरन वर्क किया हुआ है, गोदरेज की अलमारी
और इधर की देखें तो हम अटैच टू बाथरूम है, ये वेस्टर्न टॉयलेट है और ये वॉश बेसिन दिया हुआ है। इधर आप देखें तो मिक्सचर वगैरह और शावर वगैरह लगा हुआ है और इसके अंदर गीजर पॉइंट दिया हुआ है। ये था ग्राउंड फ्लोर का और अभी हम चल रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में ही नीचे की तरफ, फ्रंट साइड का जो बेडरूम है उस तरफ। तो आप देख सकते हैं ये है फ्रंट साइड का बेडरूम, इसके अंदर ये रॉयल प्ले में डिज़ाइन है, ऊपर फॉल सीलिंग की हुई है, पंखा लगा हुआ है, ट्यूबलाइट दी हुई है, एसी फिटिंग है और यहाँ पर ये वार्डरोब दिया हुआ है। इसी के साथ में ये शोकेस दिया हुआ है एक, और अगर सामने की तरफ देखें तो कूलर पॉइंट के लिए दिया हुआ है और ये विंडो दी हुई है जिसमें कूलर की खिड़की लगाई हुई है। और अगर मेजरमेंट की बात करें तो 10x12 की साइज़ है इसकी। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये जो रूम है ये ड्राइंग रूम का काम कर सकता है, यहाँ मेन बाहर की तरफ एंट्रेंस भी है। और इसी के साथ में यहाँ से एक जो हमारा ये स्पेस बचा हुआ था, जो जगह स्पेस स्पेयर जगह थी, उसके सामने निकलने के लिए इस गेट दिया हुआ है। अभी आपने देखा ये था ग्राउंड फ्लोर, अभी ये था सिंप्लेक्स हाउस। अभी चलते हैं छत पर और टेरिस पे चल करके मैं आपको ओवरव्यू यहाँ से दिखाता हूँ। करनी विहार जो कि हाथोज एरिया के अंदर है और यहाँ पर आपको सब तरह के 125 वर्ग गज से लेकर के 60 वर्ग गज तक के मकान बने हुए हैं जो कि आपको मिलेंगे। और अगर इस मकान की बात करूँ तो ये 125 वर्ग गज में है जिसमें कंस्ट्रक्शन 95 स्क्वायर यार्ड के अंदर है और ये पूरा 125 वर्ग गज का जो सिंप्लेक्स हाउस है इसकी अगर कीमत की बात करूँ तो कीमत मात्र 30 लाख रुपए में है ये मकान, जो कि लोनेबल प्रॉपर्टी है और बोरिंग है यहाँ जो कि 24 घंटा पानी है, इसके अलावा सीवरेज कुई वगैरह खोदी हुई है। तो दोस्तों इसी के साथ में जो ये और भी मकान है यहाँ पर दोस्तों 76 गज का 3 BHK है जो कि 24 लाख रुपए के अंदर कीमत में है। यहाँ पर आपने अभी स्टार्टिंग में देखे थे सारे मकान जो दिए हुए थे, अगर इंटरेस्टेड हो तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। अभी चलते हैं हम टेरिस पे, के लिए टी फ्रेम दिया हुआ है और आप देख सकते हो ये यहाँ पर पानी की एक टंकी रखी हुई है जो कि 500 लीटर की है और इसी के साथ में ऊपर यहाँ पर 200 लीटर की एक टंकी और है, बाथरूम की और किचन की अलग अलग टंकियाँ हैं। यहाँ पीछे देख सकते हैं आप सारे मकान वगैरह बने हुए हैं और इसी रो के अंदर सारे मकान देखते हैं तो इनमें 2-3 सोल्ड आउट है, इसके अलावा सारे मकान हैं। तो अगर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी तरह के मकान मिल जाएंगे। सामने की तरफ देखो तो आप वो जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये स्टार सिटी है, जो कि यहाँ से एरियल डिस्टेंस देखें तो तकरीबन 800-900 मीटर एरियल डिस्टेंस होगा। तो दोस्तों ऐसी और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक।